हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंज्यूमर बिहेवियर के कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या होता है कंज्यूमर बिहेवियर, व्हाई वी आर स्टडिंग कंज्यूमर बिहेवियर एंड व्हाट इज द इम्पॉर्टेंस, वो भी हम डिस्कस करेंगे साथ के साथ। और आज हम डिस्कस करेंगे इन द मेन टॉपिक इज नेचर ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर का नेचर क्या है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर इज द प्रोसेस एंड एक्टिविटीज पीपल एंगेज इन वैन सर्चिंग फॉर सिलेक्टिंग परचेजिंग और यूजिंग एवेल्यूटिंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज सो एज टू सेटिस्फाई देयर नीड वॉन्ट एंड डिजायर्स, ठीक है। अब यहाँ पे एक ही डेफिनेशन में बहुत सारी चीजें डिफाइन कर दी है। पहली चीज क्या है, कंज्यूमर बिहेवियर इज द प्रोसेस ऑफ एक्टिविटीज, ठीक है। मीन्स टू से कम्युनिकेशन, जो कंज्यूमर बिहेवियर है, कंज्यूमर बिहेवियर कंसिस्ट नंबर ऑफ एक्टिविटीज, ठीक है। चाहे वो डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड है, चाहे वो परचेजिंग से रिलेटेड है, चाहे वो पोस्ट परचेज बिहेवियर से रिलेटेड है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। अगर हम बात कर रहे हैं कंज्यूमर बिहेवियर की, दैट वी हैव टू स्टडी द नंबर ऑफ एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड टू कंज्यूमर एंड देयर बिहेवियर। सेकेंड वन, पीपल एंगेज इन व्हेन सर्चिंग। सपोज इफ आई वॉन्ट टू सर्च, सॉरी इफ आई वॉन्ट टू परचेज एनी प्रोडक्ट, दैट आई हैव टू परचेज सर्च द इन्फॉर्मेशन, ठीक है। फर्स्ट थिंग इज सर्चिंग द इन्फॉर्मेशन, सर्चिंग फॉर सिलेक्टिंग, ओके। यू वॉन्ट टू सिलेक्ट अ प्रोडक्ट इन अमंग द वेरियस अल्टरनेटिव्स, बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं, उनमें से आपको ये बेस्ट सिलेक्ट करना चाहते हो, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। सिलेक्टिंग, परचेजिंग, यू आर परचेजिंग, यूजिंग, यू आर यूजिंग द प्रोडक्ट, यू आर इवेल्युएटिंग द प्रोडक्ट, आप यूज कर रहे हो, आप उसको इवेल्युएट कर रहे हो, एंड डिस्पोजिंग द प्रोडक्ट, ठीक है, एंड सर्विसेज सो एज टू सेटिस्फाई योर नीड वांट एंड डिजायर। सपोज आई हैव नीड, एक कंज्यूमर की बात करें, वो अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए प्रोडक्ट को परचेज कर रहा है, प्री परचेज से लेके फाइनली पोस्ट परचेज तक बहुत सारी एक्टिविटीज को फॉलो कर रहा है। एक कंज्यूमर अपनी नीड को सेटिस्फाई होने के बाद अपनी वांट, अपनी डिजायर को सेटिस्फाई करने के लिए कोई प्रोडक्ट परचेज करना चाहता है, लग्जरी प्रोडक्ट वो परचेज कर रहा है, ठीक है। उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहा है, बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं, कौन सा बेस्ट है, एक सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद उसको उसने परचेज कर लिया, परचेज करने के बाद इवेल्यूएशन करी, और फाइनली उसके बाद जब इवेल्यूएशन होगी तो उसको डिस्पोजिंग किस तरीके से किया। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमें बता रही हैं कंज्यूमर के बारे में, कि कंज्यूमर का क्या बिहेवियर है किसी भी एक प्रोडक्ट की परचेज करने, प्री परचेजिंग से लेके पोस्ट परचेजिंग तक, ठीक है। चाहे हम उसकी नीड की सेटिस्फेक्शन की बात करें, ठीक है, चाहे हम उसकी वांट की या फिर डिजायर की, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो भी वो प्रोडक्ट खरीद रहा है उसके लिए वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है और कौन कौन सी एक्टिविटीज को फॉलो कर रहा है। जैसे यहाँ पे लिखी हुई है ना कुछ एक्टिविटीज, सिलेक्टिंग द इन्फॉर्म, सर्चिंग द इन्फॉर्मेशन फॉर सिलेक्टिंग, परचेजिंग, इवेल्युएटिंग, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हम बात कर रहे हैं किसकी, कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है। अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पे, जो है नेचर ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर का क्या नेचर होता है, पहला है सिस्टमेटिक प्रोसेस। कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, सिस्टमेटिक प्रोसेस, मीन्स टू से सिस्टमेटिकली यू हैव टू गैदर द इन्फॉर्मेशन, यू हैव टू इवेल्युएटिंग द, ठीक है, देन फाइनली यू आर परचेजिंग द प्रोडक्ट। तो सिस्टमेटिकली आपने सारे, आपको क्या करना है, वन बाय वन सारे प्रोसेस जो स्टेजेस है उनको पूरा करना है। कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदने जा रहे हो, सपोज ए प्रोडक्ट आप खरीदने जा रहे हो, तो पहले आप इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सर्च करोगे, ठीक है, जहां बहुत सारे लोग आपके लिए रोल प्ले करेंगे। कोई इनिशिएटर होगा, कोई गेटकीपर होगा, कोई इन्फ्लुएंसर होगा, कोई आपका बायर भी होगा, आप उसके यूजर भी हो सकते हैं, होंगे, ठीक है। तो एक सिस्टम में आपको क्या करना है, काम करना है, ऐसा नहीं है कहीं से भी कुछ भी, ठीक है। अगर प्री परचेज बिहेवियर को स्टडी करना है तो पहले प्री परचेज बिहेवियर को स्टडी करोगे, देन फिर परचेजिंग, फिर आफ्टर पोस्ट परचेज। तो सिस्टमेटिकली आपको क्या करना है, उसके बिहेवियर को स्टडी करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें इन्फ्लुएंस बाय वेरियस फैक्टर्स। कंज्यूमर बिहेवियर इन्फ्लुएंस बाय वेरियस फैक्टर, दीज फैक्टर्स आर, जैसे कि मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ, सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, इकोनॉमिकल फैक्टर्स। तो ये सारे फैक्टर्स कंज्यूमर को क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं, उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, उसके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पे मैंने बात करी। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ किसकी, डिफरेंट फॉर डिफरेंट कस्टमर्स। कंज्यूमर बिहेवियर इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कस्टमर। हर कस्टमर का अपना अलग अलग बिहेवियर होता है अकॉर्डिंग टू हिज हर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, और वो उसी के हिसाब से रिएक्ट और बिहेव करता है। तो वही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, डिफरेंट फॉर डिफरेंट कस्टमर्स।
हर कस्टमर के लिए अलग अलग डिफरेंट कंज्यूमर बिहेवियर होता है, उसका अलग बिहेवियर है और अलग तरीके से सारी चीज़ें उसको क्या कर रही हैं, इन्फ्लुएंस कर रही हैं। ठीक है, डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स, जी हाँ ये भी नेक्स्ट पॉइंट है, डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट मेरे पास अगर 5 अल्टरनेटिव्स हैं किसी भी प्रोडक्ट के, तो मेरा सबके लिए अलग अलग बिहेवियर होगा। ठीक है, हो सकता है मुझे सी ज़्यादा पसंद आए और बाकी अदर वन मुझे कम पसंद आए। ठीक है, तो वो मैं बात कर रहा हूँ। अब हो सकता है किसी दूसरे को ए पर ज़्यादा पसंद आए और ये सारे कम पसंद आए, तो वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है, किसी भी एक इंडिविजुअल का किस प्रोडक्ट के लिए अलग अलग बिहेवियर है, तो वो हम बात कर रहे हैं डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स। ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर वेरी अक्रॉस रीजन। अब कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, रीजन वाई भी वेरी करता है, जैसे कि यहाँ पे हम बात करें रूरल की और फिर यहाँ पे हम बात करें अर्बन की, सॉरी। ठीक है, रूरल एरिया और अर्बन एरिया, तो दोनों के लिए हमारा क्या है, कंज्यूमर बिहेवियर का जो भी कॉन्सेप्ट होगा वो अलग अलग होगा, दोनों के फैक्टर्स अलग अलग होंगे, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वेरी अक्रॉस रीजन। रीजन वाइज वेरी करता है, जैसे साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ, सबका अलग अलग बिहेवियर होता है। जहाँ पे जो कस्टमर हैं, साउथ के जो कस्टमर हैं उनका कल्चर अलग है, उनके वैल्यू बिलीफ अलग है, ईस्ट का अलग है, वेस्ट का अलग है, तो इस तरीके से हम बात कर रहे हैं। विटल फॉर मार्केटर्स, मार्केटर्स के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर को वो प्रॉपरली स्टडी करके ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं आज के टाइम में कस्टमर की क्या नीड वांट डिजायर है, और उसी हिसाब से मार्केट में प्रोग्राम या नया प्रोडक्ट लेके आते हैं। रिफ्लेक्ट स्टेटस, कंज्यूमर बिहेवियर में हम बात कर रहे हैं रिफ्लेक्ट स्टेटस की। कंज्यूमर बिहेवियर क्या कर रहा है, स्टेटस को रिफ्लेक्ट करता है। जैसे सपोज जो भी हम लग्जरी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें हमारे स्टेटस को शो कर रही हैं। ठीक है, हमारी क्लास को शो कर रही हैं, हम किस क्लास से बिलोंग करते हैं, हमारा क्या स्टेटस है। इन्फॉर्मेशन सर्च, यस यू आर सर्चिंग द इन्फॉर्मेशन विच इज रिलेटेड टू प्रोडक्ट एंड परचेज एंड कंज्यूमर, हाउ कंज्यूमर परचेजिंग द प्रोडक्ट, दैट इन्फॉर्मेशन यू आर गैदरिंग विद द हेल्प ऑफ स्टडिंग कंज्यूमर बिहेवियर। ब्रांड लॉयल्टी, आप ब्रांड लॉयल्टी की बात करें, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको पता चल रही है, प्रॉपरली स्टडी द कंज्यूमर बिहेवियर, किस तरीके से ब्रांड इफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है कंज्यूमर को, तो वो हमने आज इस वीडियो लेक्चर में पढ़ा। ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर क्या है और उसके नेचर क्या होते हैं। नेचर में हमने डिस्कस करे सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है, इन्फ्लुएंस बाय वेरियस फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल सोशियोलॉजिकल इकोनॉमिकल, डिफरेंट फॉर डिफरेंट कस्टमर्स, डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट, वेरी अक्रॉस रीजंस, विटल फॉर मार्केटर्स, ठीक है, रिफ्लेक्ट स्टेटस, इन्फॉर्मेशन सर्च और ब्रांड लॉयल्टी, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। इनको हम करेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं। एग्जाम में अगर आ जाता है क्वेश्चन कि राइट डाउन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर विद वेल डेफिनेशन, तो आपको करेक्टरिस्टिक्स में भी यही सारे पॉइंट एक्सप्लेन करने होंगे। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक, इट इज ऑल अबाउट कंज्यूमर बिहेवियर डेफिनेशन एंड मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है, तो ये जितने भी करेक्टरिस्टिक्स हैं आप इनको अच्छे से स्टडी कर लीजिए, और ये सारे टॉपिक्स जो भी करेक्टरिस्टिक्स हैं ये इनको एक्सप्लेन करते हुए एग्जाम में लिखी है।